पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बच्चा तस्करी करने वाले एक गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलग अलग राज्यों में नवजात बच्चों को चुराकर बेचने वाले गिरोह के 6 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस को गिरोह के पास से एक नवजात बच्चा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान मामले का खुलासा किया। दरअसल मामला उस वक्त पकड़ में आया जब मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में 5 दिन के नवजात बच्चे का 30,000 रुपए में सौदा किया गया। उसके बाद उसे 80,000 रुपए में बेचा गया। नवजात बच्चे का दिल्ली की एक पार्टी को 2.5 लाख रुपए में सौदा हुआ। बच्चे का सौदा होने के बाद 30,000 रुपए एडवांस में मिले, बाकी के पैसे डिलीवरी होने पर मिलने वाले थे। इस सौदेबाजी की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस ने रंगे हाथों मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से गिरफ्तार हुए आरोपियों की सूचना पर अन्य 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने मौके से एक नवजात बच्चे को भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक अब तक ये गिरोह 6 बच्चों की तस्करी कर चुका है। इस बच्चे की तस्करी में ये गिरोह पुलिस की पकड़ में आ गया। देखिए, थाना मैनाठेर में आज 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष है, जिसमें एक मोहम्मद यूनुस है, ये थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं। गौरव है, ये भी थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं। इसके अलावा शबनम है और गीता है, ये दोनों थाना सिविल लाइन की है, और नीतू पत्नी बात अश्वनी और साजिया पुत्री लाडले, ये भी थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं। 6 लोग हैं और इनके पास से करीब 5 दिन का एक नवजात शिशु भी इनके पास से बरामद हुआ है। और ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये लोग अक्सर जो इस तरह के जो बच्चे होते थे, या तो जिनको फैमिली को ज़रूरत नहीं होती थी, या फिर जिनको लोग अपने घर में ना रखना चाहते थे और इधर उधर छोड़ देते थे, ऐसे बच्चों को टारगेट करके और फिर उसको कहीं पे ऐसे जो नीडी लोग होते थे उनको ये ले जाके भेज देते थे। इन्होंने अभी जो एक बच्चा है, ये बिलारी थाना क्षेत्र से जो 5 दिन का जो बच्चा है, इसको अपनी दादी से इन्होंने प्राप्त किया था, और प्राप्त करने में गीता ने इसको प्राप्त किया, फिर शबनम को दिया, और शबनम और फिर आगे ये लोग इस तरीके से एक चैन बना के, और इनकी एक साथी हैं दीपमाला, उसके माध्यम से उसको जो क्लाइंट होते थे उनको ये लोग भेज देते थे, और उसको 1 लाख से लेकर 2.5 लाख 3 लाख तक की मतलब इसमें सौदा ये लोग करते रहे हैं। और अभी तक की जानकारी में ये प्रकाश में आया कि इन लोगों के द्वारा 6 बच्चों को इस तरह से बेचा गया था। और ये सारे जो बच्चे हैं, ये जो नवजात शिशु होते थे, मैक्सिमम 6 माह तक की इनकी आयु होती थी, और जिससे कि वो पेरेंट्स को ना पहचान पाए और ना ही उनकी कोई आगे कोई पहचान हो पाए, क्योंकि 2-3 महीने बाद में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो फेस है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे बच्चों की चोरी करने में और उनको बेचने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, और इस तरह के बच्चों को इनके द्वारा जो चोरी किया जाता था या फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से ये लोग उसको प्राप्त करते थे और उसके फिर उसको पैसे दे के आगे उसको फिर महंगे दामों में ये लोग बेचते थे। ये एक इस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक गैंग यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था, और पूर्व में भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनको कि यहाँ से चोरी हुए और या फिर किसी ने उठा लिया और आज तक उनकी बरामद भी नहीं हुई। तो इस तरह के गैंग पे हमारी जो टीम है वो काफ़ी दिन से काम कर रही थी, तो आज एक ये सफलता हम लोगों को मिली है कि यहाँ से इस तरह का जो कार्य किया जा रहा था, आज इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसमें दीपमाला नाम की जो महिला है, जो कि मुंबई में रह के और ऐसे लोगों को तलाश करती थी जिनको भी बच्चों की ज़रूरत होती थी, और उन्हीं को ये बच्चे दिए जाते थे। और इसमें बेसिक चीज़ ये है कि एक तो इनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये केस है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग जिनको बच्चों की ज़रूरत होती थी, वो जो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एडॉप्शन पॉलिसी है उसका पालन ना करते हुए और इल्लीगल तरीके से जो बच्चों को अडॉप्ट करने की जो कार्रवाई करते थे, जिससे कि उसकी पहचान ना हो पाए और उस बच्चे के बारे में बच्चे को भी ना पता चले कि उसको अडॉप्ट किया गया है, तो इस तरह की जो अवैध गतिविधियाँ में इन लोगों के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही थी। तो कहाँ कहाँ ये लोग बच्चा बेचते थे, आपने कहा था यूपी के बाहर की? अभी तक की जो जानकारी मिली है इन लोगों के द्वारा, आगरा में एक बच्चा बेचा गया है, एक बच्चा कोलकाता में बेचा गया है, तो उसके बारे में जानकारी की जा रही है। बाकी जो इनकी एक साथी है वो दीपमाला के नाम से, वो मुंबई में रहती है और उनकी भी इसमें पहचान की गई है, उनको भी इसमें नामजद किया जा रहा है, और वांछित करते हुए उनको गिरफ्तारी का हमारी जो टीम है वो प्रयास करेगी। कितने रुपये में इनके द्वारा बेचा जाता? अभी तक की जानकारी में ये मिला है कि ये लोग बहुत ही सस्ते उसमें 10,000 से 20,000, 30,000 तक में बच्चा खरीद लेते थे, और फिर 3 से 4 लाख रुपए में बाहर जाके ये लोगों को बेचने का काम इनके द्वारा किया जाता है। और जैसी फैमिली होती थी उसी तरीके से इनको पैसे मिलते थे। अगर कोई बहुत अमीर फैमिली है और उनके पास में बच्चा नहीं है, उनको अगर इनसे प्राप्त करना है, तो वो कई बार इससे भी ज़्यादा धनराशि इन लोगों को देते थे। इनके अलावा कोई और है?
अभी इसमें काम किया जाएगा आगे, और अगर कोई जानकारी मिलेगी तो फिर इसमें से किसी ने इलाका स्वास्थ्य विभाग से कोई लिंक किया स्वास्थ्य, इसमें से जो ये जो गीता और जो सबनम नाम की जो महिला है, ये जो घरेलू जो दाई जो होती है जो प्रसव कराती है उसका काम करती थी, और इनके द्वारा जो महिलाओं को ENM सेंटर और यहाँ पे ले जाना, और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स में ले जाने का काम भी किया जाता था, और उसी के बहाने ये ऐसी महिलाओं के कॉन्टेक्ट में रहती थी जिनके कि जैसे किसी के बच्चे ज़्यादा हैं या उसको ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी को पति ने छोड़ दिया है और वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है, तो ऐसे महिलाओं को और ऐसे परिवारों को इनके द्वारा टारगेट किया जाता था, उनको प्रलोभन देके और उनसे ये बच्चे प्राप्त करती थी। और कई बार इनको जब ज़रूरत होती थी, जैसे कि मेल चाइल्ड के लिए ज़्यादा डिमांड रहती है तो उसकी इनको ज़रूरत होती थी, तो इनके द्वारा चुराने का भी इसमें कार्य किया जाता था। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।